गुड आफ्टरनून सभी अश्व प्रेमियों का, और पुष्कर मेला अपडेट में आपका स्वागत है। पुष्कर मेला के अपडेट के बारे में बता दूं आपको कि 8 नवंबर से ये मेला स्टार्ट हो रहा है। पुष्कर फेयर 2021 8 नवंबर से स्टार्ट होगा और 21 नवंबर तक ये मेला चल, क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर ये मेले की डेट क्या है, तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी आपको बता दूँ कि 8 नवंबर से ये मेला स्टार्ट होगा पुष्कर का और 21 तारीख तक ये मेला चलेगा। और इसी दौरान इस मेले की जो रिंग होगी वो शायद 16 और 17 नवंबर को होने को है, ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि 16 और 17 की रिंग रखी जाएगी। और रिंग जो है वो भी न्यू मेला ग्राउंड में ही होगी, जो न्यू मेला ग्राउंड बनाया गया है वहीं पे रिंग भी बनाई जाएगी। और इस बार मैं बता दूं आपको कि ये रिंग कुछ स्पेशल रिंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बार पशुपालन विभाग ने मना कर दिया था ये रिंग विंग और पशु प्रदर्शनी के लिए, तो शायद पशुपालक द्वारा रिंग या कुछ भी प्रस्तुति नहीं करवाई जाएगी। इसी प्रकार इसी समस्या को लेकर अश्व पृथ्वी किसान जो ग्रुप है, एक मुहिम है, उन्होंने ये रिंग करवाने का फैसला किया है और 2 दिन ये रिंग चलेगी, इसमें मारवाड़ी घोड़ों की होगी। और इस बार मैं बता दूं इस रिंग को देखते हुए बहुत लोगों में उत्साह है और कुछ लोगों में उम्मीदें भी है इस रिंग को लेकर कि इस बार फेयर रिंग होगी पुष्कर में। तो इस बार मुझे लगता है राजस्थान के अलावा बाहर से भी ज़्यादा अधिकतर घोड़े देखने को मिलेंगे इस रिंग में अबकी बार पुष्कर में। और सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे, जो अश्व पालक है या अश्व प्रेमी है वो इस मेले का पुष्कर फेयर का मज़ा ले आराम से, और 8 नवंबर से 21 नवंबर तक इस मेले का लुत्फ़ उठाए। और अभी भी देख रहे हो मेला भी दूर है, 8 नवंबर है, पर मेले में जो रौनक है वो बढ़ने लगी है इस खबर के साथ ही। यहाँ पे होटल्स और ये सफारी वाले, आप देखो कितना प्यारा कैमल बेटा सजा हुआ है यहाँ पे, और इस तरफ ये रेतीले धोरे हैं, रेतीले धोरे, ये बहुत ही आकर्षित लगता है। और यहाँ का जो व्यू है ये दोपहर का व्यू है, और शाम का अगर व्यू आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो सायंकालीन का जो सूर्यास्त है वो इतना प्यारा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। सूर्यास्त यहाँ का बहुत ही सुंदर लगता है, जहाँ से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इसी तरफ सूर्यास्त होता है। ये पूरा मेला ग्राउंड ही है ये मान के चलो। यहाँ पे 8 नवंबर से 21 नवंबर तक के घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनने को मिलेगी आपको, और कैमल सफाई का मज़ा भी ले सकते हो आप यहाँ पे इस मेले में, पुष्कर पशु मेले में। और पास में ही सावित्री माता का मंदिर भी है यहाँ पे इस पहाड़ी पे, जो मेले के बिल्कुल टच में ही रहेगा। तो पुष्कर की इस वादियों का अगर लुत्फ़ उठाना है तो 8 नवंबर से 21 नवंबर तक पधारिए पुष्कर पशु मेले में, जो राजस्थान की एक धरोहर पुष्कर पशु मेला 8 नवंबर से 21 नवंबर तक ये मेला स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ऐसे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे, जहाँ पे शाम को और दोपहर दिन भर इवनिंग में और दोपहर में यहाँ पे राइडिंग की जाती है, कार रेसिंग का और कैमल सफारी का इनका। और भी मैं बता दूँ इसके आसपास आपको होटल्स भी मिल जाएगी, बहुत सारी होटलें हैं यहाँ पे, जो कोई भाई बाहर से आना चाहता है उनके लिए होटल अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, इसी अपडेट के साथ आपका भाई अपना श्रवण कुमार मीणा, एक्सप्लोरिंग राजस्थान यूट्यूब चैनल।